वेलकम टू ईश विद्या क्लास पे दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान क्लास को तुमको स्वागत। आम एक क्लास रे मानव चक्षु एवं वनजगत सम्बन्धी अध्ययन करुचे। यह पूर्व क्लास रे आम तारा मान दबदबा वायुमंडल आकाशर वायुमंडल विच्छुरण आलोक विच्छुरण से संबंध में धारणा पाई एक जान लें जे छोट कणिका मान छोट तरंग दैर्घ्य विशिष्ट आलोक को विचरण कराती एवं बड़ कणिका गुड़िक अधिक तरंग दैर्घ्य विशिष्ट आलोक विचरण कर सक्षम अटंती। तो से ही कनसेप्ट नहीं आम बर्तमान देखा जो आकाशर वर्ण नील कहीं परीक्षा बहुत प्रश्न जगह आस पे अति छोटिया यहाँ कनसेप्ट जानवा चेषा कर आकाश बा जो देखुचे वायुमंडल यह अत्यंत क्षुद्र विषम जातीय कणिका मान समि जपरिक जलवाष्प धूआ विभिन्न गैस कणिका गुड़िक सहित एगुड़ संपर्कित वायुरे कणिका गुड़िक सूक्ष्म कणिका गुड़िकर दैर्घ्य दृश्यमान आलोक तरंग दैर्घ्य अपेक्षा बहुत कम अटे कौगुड़ जो वायु जो कणिका अणुगुड़िक अच्छा अन्य सूक्ष्म कणिका गुड़िकर दैर्घ्य ये दृश्यमान आलोक आम दृश्यमान आलोक तरंग दैर्घ्य अपेक्षा बहुत कम तेल कौन कहते हैं इन्हें अधिक तरंग दैर्घ्य थिबा लाल आलोक को विचरण कर पारती ना आम जाने जे विज्ञ बी आई बी जी वाई ओ आर आम ओडिया कौन कहे बाघ निश हनाला बाघ निश हनाला आम एटा शुण जो बैगण घन नील इंडिगो नील ब्लू सबुज ग्रीन हलदिया येलो नारंगी ऑरेंज लाल होची रेड तेरे मुझे कही तरंग दैर्घ्य कह रहा रेड तरंग दैर्घ्य हूँ आम जो वायलेट तो तरंग दैर्घ्य आकार आम रेड रु कौन हुए ना वृद्धि घटे एटा बढ़े रेड को तरंग दैर्घ्य बढ़े तो अधिक तरंग दैर्घ्य आम जो वायुमंडल जो कणिका मान अच्छा से मैंने साधारणतः जो अधिक तरंग दैर्घ्य विशिष्ट आलोक को विच्छुरित करना से कम साधारणत नील घन नील यही पखापाखी तरंग दैर्घ्य आलोक को से विच्छुरित करें तो से आम आकाशटी नील देखा जाए से जो वायुमंडल अवस्था जो कणिका गुड़िक जो वर्णर आलोक को विच्छुरण करती से आलोक आम आखिरी आसिक पड़े आमको से रंग देखा जीवो। तो साधारणतः वायुमंडल थिबा जो कणिका मान अच्छा से मानकर आकार नील आलोक को विच्छुरण करने समर्थ से आमको आकाशटी नील देखा जाए एवं देखा जा साधारणतः आमर लाल आलोर लाल तरंग दैर्घ्य लाल तरंग दैर्घ्य साधारणतः आमर 1.8 टाइम्स बड़ क्या अपेक्षा नील नील आलोर नील आलोर तरंग दैर्घ्य अपेक्षा यहाँ बड़ तो अर्थ में जब छोट लिखा चाहते सिंबल अनुजाई तो लामड़ा आरटा साधारणतः 1.8 इंटु कह लामड़ा ब्लू लामड़ा ब्लू नील आलोक तरंग दैर्घ्य अपेक्षा यहाँ 1.8 टाइम्स हूँ बड़ तो से जो कणिका मैंने अच्छा वायुमंडल से केवल नील आलोक टी हम विचरण कर पारती से ही नील आलोक आम आकाशटी नील देखा जाए जेहेतु आम आकाश नील देखा जाए तेणु घन समुद्र समुद्र गहिया पा साधारण जलर कौन रंग ना मात्र से आकाशर नील आलोकर प्रतिफलन हेतु रिफ्लेक्शन हेतु आम समुद्र गहर पाटा आमको नील ही देखा जाए। जदि आमर इटे प्रश्न आसवि वायुमंडल आम पृथ्वी जो वायुमंडल न था से प्रश्न पचारित जीवजगत तिष्ट पारि न था जदि पृथ्वी पृष्ठ वायुमंडल न था वायुमंडल न था तेल कौन हाँ जदि वायुमंडल ना ताल कौन कणिका
कणिका मध्य रही ना। जदि आम वायुमंडल कौन सी कणिका ना तो विच्छुरण घटव आम विच्छुरण घटव ना। जब विच्छुरण न घटा कौन सी आलोक आम आखि आसना एवं यह फल कौन हम ना आमको चतुपार्श्व संपूर्ण अंधकारमय देखा जीवरी आलोकर स्थिति ही ना जहाँ राति घटे बा रात मत महाकाश बन कि कौन देखा जाए अंधकार तो आम चतुर्पार्श्व मध्य अंधार ही देखा जीव किसी देखा ना तेना वायुमंडल ना अर्थात आम चतुर्पार्श्व मध्य कौन देखा अंधकारमय देखा ये आउ गए प्रश्न आसे जे साधारणत जो देखिए विपद संकुल जगह से लाल रंग बा लाल आलुओ कहीं दि जाए कहीं लाल आलुओर ये देखिले तार तरंगदैर्घ्य हो बहुत अधिका तो ये जो तरंगदैर्घ्य अधिक हेतु साधारणतः आम वायुमंडल या कौन सी कणिका ताको विच्छुरण करपारती से विपदपूर्ण जगह मानक विपदपूर्ण जो जगह सेठी हमर लाल आलोक ही दिया जाए कहीं ये लाल आलोक जो तरंगदैर्घ्य ताहा को कौनसी कणिका विच्छुरण करिपारिबे नाही एवं ताहा अनेक दूर पर्यंत आमको सेमिति अक्षत अवस्था ही देखा जाए एवं कुहुड़ी किंवा धूलिकणा द्वारा यार विच्छुरण हुए ना एवं दूर मध्य आलोक आमको स्वच्छ देखा जाए से विपद संकेत सूचित आलोक वर्ण सर्वदा लाल को ही बछा जाए। या पर आम जी पे सूर्योदय सूर्यास्त समय सूर्य वर्ण कहीं लाल हुए ये तुम मान बही गोटे छोटिया परीक्षा से कई अच्छी से छोटिया परीक्षा गोटे सेटअप आम नहीं जाए कौन कर सी प्रथम गोटे उत्तल उत्तल लेंस आमर जो नहीं ना दे से एलोन यार फोकस बिंदु रे यार फोकस बिंदु रे हला लेंस जो फोकस पड़ी जाए एपटे एफ वन एफ टू सेपटे सरी एपटे एफ वन टू एफ वन सेपटे एफ टू टू एफ टू तेनालीर आम फोकस पॉइंट से गोटे उत्स को नहीं आलोक उत्स एक आलोक उत्स से ना तेनाली जो रश्मि समांतर हिसाब से आम आसूँ से लेंस जो पड़ब से कौन हम समांतर आम गति कर तो एथरु आसो तो आलोक रश्मि गुड़िक उत्तल लेंस दे जा कौन हम ना सीधा जीवे परस्पर सह समांतर हो जीवे ये समांतर हो गला बेले से या परे एक काचर बिकर या बाटरे से रखी प्रथम ये कौन कर स्वच्छ जल से नहीं गला स्वच्छ जल ये तो स्वच्छ जल से नहीं गला स्वच्छ जल कौन हम ना ये आलोक रश्मि जहाँ भितर दी पास कर सीधा पास कला एवं सेपटे जब बाहर एटी सी एक काठर गोटे छिद्र गोटे बोर्ड कार्डबोर्ड से रखीदे रंध्र छोटिया रंध्र थी गोटे कार्डबोर्ड रखीदे यहाँ हूँ रंध्र यहाँ हूँ एक कार्डबोर्ड एउटी हूँ एक रंध्र तर जो आलोक गुड़ी बाट दे जीवे बाहर सेमती सीधा हुई अनेक आलोक रश्मि भितर से किटा स्पेसीफिक आलोक रश्मि से बाट दी से नहीं कि गला से ही आलोक रश्मि को सी आउ गोटे उत्तल लेंस से बाटर रखला यही आउ गोटे उत्तल लेंस या ना एल टू ये एल वन ये रखला एल टू रखे कौन हम ना आलोक रश्मि से बाटे पास कर सारापर यह गोटे स्क्रीन रखीदेला बैटरी गोटे स्क्रीन आ गोटे स्क्रीन से रखिला ये से आलोक रश्मि कौन कर गोटे जगह आनी कनसनट्रेट कर फोकस पॉइंट तेनाली तो कौन देखे ना से ही आलोक रश्मि एक प्रतिबिंब यहीपर आग सेटअप टी सजाड़ी दबा एक आलोक उत्स उत्तल लेंस एक काच बिकरे बर्तमान स्वच्छ पा नि से आलोक रश्मि गति गला कार्डबोर्ड रखी से आसुता अनेक आलोक रश्मि को एक निर्दिष्ट आलोक रश्मि आमर पर आउ गोटे उत्तल लेंस
आम पास ही एक बिंदु प्रतिब सृष्टि कला बर्तन आम ये जो आलोक ना आम से आलोकटी हम पाइबा बर्तन से कौन कर जो सूर्य दुष्ट समय आलोक बन बुझे जो परीक्षाटे आम करे बर्तन आम से दिखरे 200 ग्राम रो सोडियम थायोसल्फेट 200 ग्राम रो 200 ग्राम रो आमर सोडियम थायोसल्फेट थायोसल्फेट को आमर गोटे लिटर पानी दे सरी दुई लिटर पानी दे या आम सोडियम थायोसल्फेट को दुई लिटर पानी दे मिसेकरी आमर एथे मिसा आ ढाई गला काच पत्र हला यहाँ आम काच पात्र ठीक अच्छे 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को आम दिल्ली जल में मिसा ही गला ताको आम नहींगल कौन यही काच बिकर आम नहीं गल बर्तन से वन टू टू एम एल है एम वन टू टू एम एल कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जान पा मैंने गार जो गाढ़ सल्फ्यूरिक एसिड है मिसेवा जिते आम गाढ़ सल्फ्यूरिक एसिड को बर्तन जो सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट जो द्रवण आम मिसेले कौन हम ना गोटे दुई मिनट भितर एथर सब कौन आस दु तीन मिनट भितर आम सल्फर कणिका गुड़िक सब फेण आकार बाहर थोड़ा तुम्हें देख जो भाषुए सब ये सब सल्फर कणिका गुड़िक या भितर सब भाषे धीरे धीरे मन बाहर की आसे तो जो सल्फर कणिका गुड़ आसिले देखिए आसा मात्र के काच पात्र चतुर्पार्श्वर नील आलोक बाहर स्टार्ट हो तो स्लाइट स्लाइट नील तुम देखा ये आलोकटा जो आसत धला आलोकटा से नील रूपातरित होल आलोक तुम एपट आसापर बाकी तक आलोक जो एपट आस तुम ये पड़ब ता रंग तुम भल से स्टडी कर चेस्टा कर देखिए प्रथम लाल मिसा नारंगी रंग देखा कौटी एटी एट नील आसला बेले देख किस यहाँ लाल मिसा नारंगी ना आलोक पर्दा पर गोटे गाढ़ लाल रंगर वर्ण उत्पन्न हो तुम स्कूल क्यों तुम चाहिए स्कूल तुम सार परीक्षा कर देखिपर तथु यही परीक्षाटर आम कौन देखिले ना साधारण देखिए जे यहाँ तुम हूँ आलोक उत्सरु अधिक दूरता ये आलोक उत्सरु कम दूरता ये जस्ट तुम धारणा नहीं जहाँ आलोक उत्सरु कम दूरत नील आलोक आलोक उत्सरु यहाँ अधिक दूरत लाल आलोक आसला तेल बर्तमान या को लेकिन आम सूर्य रंगर आम स्टडी करने देखा तेल आम जिते बड़े देख पे मैंने आम पृथ्वी पृष्ठ अच्छे सरफेस अच्छे आमर या उपर कौन अच्छी ना वायुमंडल अच्छी या उपर आमर वायुमंडल टी अच्छी एवं से वायुमंडल आम देखला बेले आम देखा जे ये गोटे मनुष्य ठिया हो सूर्य गोटे स्थित ना ए जगह यहाँ हूँ कौन ना से पापाई दिग्बल ये हूँ से पापाई दिग्बल एवं द्वितीय स्थिति ना आम सूर्य को ये मुंड रखा सूर्य को मुंड जो रखा तेल जदि ये हूँ सूर्यंर आम प्रति मध्यान समय हूँ सब अल्प दूर एवं जिते सूर्य दूर अच्छे से अधिक दूर तेल के समय सूर्य आसुवा आलोक रश्मि आमर अधिक दूर वायुमंडल जाऊँ के अल्प दूरत आम वायुमंडल में प्रवेश करुच्चे देखिए तेल मध्यान समय सूर्य आम मुंड थाए से इथुर आस आलोक रश्मि जी बाट वायुमंडल प्रवेश कर आम पाखे पहुँचे दिग्बल थी सूर्य रश्मि आम पाखे पहुँचे अधिक बाट से कभर कै वायुमंडल मधे से अधिक रास्ता कवर करी आसी था तो जिते से अधिक रास्ता कवर करी आसे तेल यही जगार जो वायुमंडल दी प्रवेश कर नीलवर्ण आलोक गुड़ी कणिका गुड़ी कौन करना विच्छोड़ करें
तेणु एथर बाकी तक आलोक ये आम पाखे पहुँचला बेले सब कौन देखा जीवो? ना रेड देखा जीवो। कारण तार ब्लू बा नील आलोकर जो तरंग घटी वायुमंडल कणिका गुड़ी से विच्छण कर सारी थे तो बाकी जो आलोक ये पहुँच से रेड ही देखा जीवो। तेणु सूर्यटी आम सूर्यास्त बेल दिग्बल थी सूर्यास्त समय हो सूर्योदय समय हो आम सूर्यटी लाल देखा जाए। मात्र जो सूर्य मध्यान समय संपूर्ण मुंड थाए से आम अल्प आलोक अल्प दूरता ही कभर कै आलोक रश्मि एवं से क्षेत्र में साधारणत आमको संपूर्ण धला ही देखा जाए। तो अधिक कम दूरता मध्यम कौन आसा ना सूर्य आसत आलोक रश्मि आम कम दूरता अतिक्रम कै तेनाली कौन साधारण नील बैगन आलोक खूब कम विच्छुरी हुए एवं आलोकटी आमको धला ही देखा जाए। मात्र दिग्बल थे कम तरंग दैर्घ्य विशिष्ट आलोक विच्छुत हो जाऊ सब विच्छुत हो गले पखापाखी तेणु बाकी जो आलोक आसिक आखिपाखे पहुँचे ताको लाल देखा जाए। जमीक अधिक दूर ये विच्छुत हो गला बाकी तो पल कौन देखा लाल देखाला ये लाल देखा गला सेमती विच्छुत हो गला बाकी जहाँ जी पहुँचला लाल देखा गला। मत ये कहला ना ये कम दूरता अतिक्रम कर आलोक कम विच्छुत हो सेटा आमको से विच्छुरणटा एत आमको अफेक्ट करना तेणु संपूर्ण आलोकटा आमको धला ही देखा जीव। तेनालीराम कारण पे सूर्योदय सूर्यास्त समय कहीं सूर्य आलोक सूर्य आलोक सूर्य आमको लाल देखा जाए आकाश से ही लाल पाई आकाश मैं लाल देखा जाए एवं मध्यान समय संपूर्ण धला देखा जाए आकाश मैं भलसे मार्क सूर्य मन चेस्ट करें तो संपूर्ण आकाश तुमको धला देखा जाए कौन से नील वर्ण तुमको देखा जीव ना है पे तेणु बर्तमान यही तुम सप्तम अध्याय संपूर्ण सरला एवं नेक्स्ट क्लास में एक नूतन अध्याय आरंभ करवा भलसे पढ़ पाने परीक्षा भलसे पढ़ी दुई थर देख ला मन को बुझीज और तुमको परीक्षा उत्तर देखें बहुत साहय कर। ठीक अच्छे पे आजपाई धन्यवाद।